एमसीयू की सातवीं फिल्म आयरन मैन 3। तो फिर कहानी शुरू होती है टोनी स्टार्क से, जो कि 1991 में एक न्यू ईयर पार्टी अटेंड कर रहा होता है, और उस पार्टी में ये माया नाम की एक लड़की से मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट है। ये प्लांट्स की रीजनरेशन पर काम करती है। टोनी स्टार्क इस लड़की से बात कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक लंगड़ा साइंटिस्ट आ जाता है और वो उसको एक ऑफर करता है। तो वो टोनी स्टार्क से अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहता है, लेकिन टोनी स्टार्क उसको मना कर देता है। प्रेजेंट का समय, तो न्यूयॉर्क के बैटल के बाद, द एवेंजर्स की लड़ाई के बाद टोनी स्टार्क को बुरे बुरे सपने आने लगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आयरन मैन ने दिन रात जाकर बहुत सारे सूट तैयार किए। ये टेंडरिंग्स का लीडर है, जिसे जाना जाता है मैंड्रेन के नाम से। उसने काफ़ी सारे ब्लास्ट किए होते हैं, जिसके वजह से पूरे शहर में दहशत होती है और वो मीडिया में छाया होता है। ये हैप्पी है आयरन मैन का सिक्योरिटी गार्ड। एक दिन टोनी स्टार्क की कंपनी में कोई बंदा मिलने के लिए आता है, तो हैप्पी को उस पर शक होता है। हैप्पी उसका पीछा करता है और वो आदमी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें हैप्पी बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जब टोनी स्टार्क को ये पता चलता है कि ये काम मैंड्रेन का है, तो टोनी स्टार्क गुस्से में आके मैंड्रेन को धमकी देता है, अगर तुझमें दम है तो मुझसे आकर लड़। और वो अपने घर का एड्रेस भी उसको दे देता है। तो टेंडरिंग्स को गुस्सा आ जाता है और वो टोनी स्टार्क का घर ही उड़ा देते हैं। यहाँ पर आयरन मैन पेपर पॉट्स को बचा लेता है और आयरन मैन जार्विस की मदद से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। टोनी के आयरन सूट के अंदर पावर ख़त्म हो जाती है और वो एक जगह गिर जाता है। अब वो वहाँ से घर भी नहीं लौट सकता था, जिससे कि सभी लोग उसको मरा हुआ समझने लग जाते हैं। टोनी स्टार्क एक 10 साल के बच्चे से मिलता है, जिसका नाम होता है हार्ली। आयरन मैन वहाँ पर एक जगह को इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ पे मैंडेरियन ने अटैक करवाया था। तो फिर यहाँ स्टार्क पता लगा लेता है कि ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, वो किसी सिपाही के काम थे और वो सिपाही किसी तरीके से फट रहे थे, किसी एक्सपेरिमेंट के कारण। तो मैंडेरियन के बंदे टोनी स्टार्क पर फिर से हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर टोनी स्टार्क हार्ली की मदद से मैंडेरियन का पता लगा लेता है, जो कि होता है मयामी में। फिर आयरन मैन कुछ चीज़ें इकट्ठी करके कुछ वेपन्स बनाता है और जहाँ मैंडेरियन होता है वहाँ पहुँचकर उनसे लड़ने लग जाता है। जैसे ही वो मैंडेरियन को पकड़ता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक एक्टर है, जिसे पैसे दिए गए थे ये दहशत फैलाने के लिए। वो लंगड़ा माया के साथ हाथ मिला लेता है। ये लंगड़ा अपने आप को ठीक कर लेता है और आयरन मैन से बहुत गुस्सा होता है, और उसके साथ साथ वो सुपर सोल्जर बनाने लग जाता है और आयरन मैन को अपने पास पकड़ लेता है। अब इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेबिलिटी थी। टोनी स्टार्क को पकड़ने के बाद वो उसकी गर्लफ्रेंड पेपर पॉट्स को भी पकड़ लेता है, और वो आयरन मैन को बोलता है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर एक्सपेरिमेंट करूँगा। तो माया इस बात से एग्री नहीं थी, तो इस लंगड़े ने माया को गोली मार दी। और ये रोडी है, जो आयरन मैन का दोस्त था, वो भी मैंडेरियन के पास जाता है और वो समझ जाता है कि मैंडेरियन तो सिर्फ एक एक्टर है और इसको हायर किया गया था लोगों को गुमराह करने के लिए। टोनी अपने आयरन मैन सूट से वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रोडी आयरन मैन को बताता है कि वो लंगड़ा राष्ट्रपति को मारने वाला है। उसके बाद टोनी और रोडी राष्ट्रपति को बचाने के लिए निकल जाते हैं, और यहाँ पर टोनी स्टार्क जार्विस की मदद से अपने सारे आर्मर्स को बुला लेता है, और रोडी यहाँ पर प्रेसिडेंट को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो राष्ट्रपति को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर टोनी स्टार्क पेपर पॉट्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता, वो नीचे गिर जाती है और इसको लगता है कि ये मर चुकी है। आयरन मैन मार्क 42 आर्मर से इस लंगड़े को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये लंगड़ा मरता ही नहीं है, और ये लंगड़ा आयरन मैन को मारने ही वाला होता है। लेकिन तभी पेपर पॉट्स आकर आयरन मैन को बचा लेती है और वो इस लंगड़े को मार देती है। पेपर पॉट्स इसलिए बच गई थी क्योंकि इस लंगड़े ने इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था रीजनरेशन का, जो कि एक कामयाबी थी। ये लड़ाई ख़त्म होने के बाद आयरन मैन अपने सारे सूट को ब्लास्ट कर देता है पेपर को ट्रिब्यूट देने के लिए। यहाँ पर मैंडेरियन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यहाँ पर फिर टोनी स्टार्क अपनी सर्जरी करवाता है, जिससे कि वो अपनी बॉडी से आर्क रिएक्टर निकलवा लेता है, और वो अपना आर्क रिएक्टर समुंदर में फेंक देता है। और यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। यहाँ पर टोनी स्टार्क ब्रूस बैनर को अपनी कहानी सुना रहा होता है, और यहाँ पर ब्रूस बैनर सो चुका था। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।